सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आप कुछ इस तरीके का प्रॉमिस डे स्टेटस वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो बनाने से पहले करने है कि आपको इस वीडियो कर देने एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा डाले किसी तरीके का नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद गाइस, आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद इस आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और एडिटिंग पे जाना, और आपके यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद इस आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस आपको करने के यहाँ पे आपको अपनी सभी पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस, आप जो भी पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से अपनी पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से पिक ऐड कर ली। पिक ऐड करने के बाद इस आपको करने क्या है, अपनी सभी पिक के ऊपर क्लिक करके, इस ऑप्शन में क्लिक करके इक्वल करके आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को इस तरीके से फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी को जल्दी से करके दिखा दे रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी सभी पिक को सही से सेट कर लेना है। जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मेरी सभी पिक सही से ऐड हो गई। ऐड होने के बाद इस आपको करने का है, इन सभी फोटो का आपको यहाँ पे वैगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इन सभी फोटो का वैगनेट ओपन कर दे रहा हूँ। वैगनेट ओपन करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको इस व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नीचे फंड ट्रांजेक्शन पे जाना, और यहाँ पे मैनी क्रिकल वाला सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इसी तरीके से अपने सभी पे ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से फंड ट्रांजेक्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये स्टार वाला सिलेक्ट कर दूंगा, और फिर से आपको यहाँ पे अगले आईटी ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन पे जाना, और आपको यहाँ पे स्पिन क्लिक कर देना है, और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, और फिर से आपको फंड ट्रांजेक्शन पे चले जाना है, और आपको यहाँ पे ये मैनी क्रिकल वाला सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने वाले से आपको करने के, इस फोटो की लेंथ आपको कुछ इस तरीके से छोटी कर लेनी है, और यहाँ पे लास्ट वाली फोटो का भी साइज कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको इन सभी फोटो की लेंथ बराबर से सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इन सभी फोटो की लेंथ सही से सेट कर दे रहा हूँ। तो सही से सेट करने वाले से आपको करने के स्टार्टिंग पे आ जाना, और लेयर पे क्लिक करना है, और इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने वाले से आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट ले लेना है। ब्लर इफेक्ट लेने वाले से आपको इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करने हैं, और इसकी सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सिलेक्ट कर देनी है। 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद सबको इसकी लेंथ लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने वाले से आपको स्टार्टिंग पे आ जाना, और स्टार्टिंग पे आने के बाद इसे आपको लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबको करने है क्या, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबको इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद सबको इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना है। इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद सबको सिंपली नीचे क्रोमा की के ऑप्शन पे चले जाना है, और इसका क्रोमा की इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद सबको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लिया हूँ। सेटिंग करने के बाद सबको यहाँ पे टिक कर लेना है, और इसके लास्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। लास्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सबको इसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और स्केचिंग ऑप्शन में क्लिक करके इसको ट्रिम टैड प्ले करके इसके एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है, और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको करने क्या है, इस वीडियो कर लेना है सेव। सेव करने के लिए सबको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके इसको एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरी हो जाएगी तो सबको ये वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको 1-2 मिनट का वेट कर लेना है। तो जैसा गाइस देख सकते हैं, वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद सबको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद सबको फिर से इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे 1x1 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 1x1 का साइज सिलेक्ट करने के बाद सबको फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है, और एडिटिंग पे जाना। एडिटिंग पे जाने के बाद सबको यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है। फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद सबको फिर से मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको यहाँ से अपनी फिर से पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस आप जितनी पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से अपनी सभी पिक को ऐड कर लेना। पिक ऐड करने वाले सबको यहाँ पे सिंपली टिक कर लेना, और स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने वाले सबको करने के, सबसे पहले इन सभी फोटो को आपको वैगनेट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से इन सभी फोटो का वैगनेट ओपन कर दे रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी सभी फोटो का वैगनेट ओपन कर लेना है। वैगनेट ओपन करने वाले सबको करने का अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करना, और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इक्वल करके आपको अपनी सभी फोटो को अच्छे से फुल स्क्रीन पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको यहाँ पे जल्दी से ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से फुल स्क्रीन पर
तो जैसा गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी सभी पिक को ऐड कर लिया। ऐड करने वाले सबको करने का सिंपली इन पे ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए सबके स्वाइट ऑप्शन भी क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाना और यहाँ पे जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है। जूम आउट वाला सिलेक्ट करने वाले सबको फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन भी क्लिक करना है और फिर से आपको क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाना और क्रॉस फीड वाला सिलेक्ट कर देना और फिर से अगले पे क्लिक करना है आपको और फिर से क्लासिक ट्रांजेक्शन पे चले जाना और यहाँ पे फेड ट्रूथ वाला सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से फिर से इसके ऊपर क्लिक करना और इसकी टाइमिंग कुछ आपको 0.0 कर लेनी है। फिर से अगले वाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है सिंपली पिक्चर एंड पिक्चर इस वाले पे और यहाँ पे वीडियो टिल्स वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले वाइट ऑप्शन में क्लिक करना है आपको और यहाँ पे फंड ट्रांजेक्शन पे जाना और ये मैनी क्रिकल वाला सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले वाइट ऑप्शन भी क्लिक करके आपके यहाँ पे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाना है और जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है। जूम आउट वाला सिलेक्ट करने से आपको करने के इन सभी फोटो की लेंथ आपको छोटी कर देनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इन सभी फोटो की लेंथ छोटी कर दे रहा हूँ। तो आपको भी अपनी सभी फोटो की लेंथ इस तरीके से छोटी कर लेनी है। लेंथ छोटी करने वाले सबको करने का सिंपली इस वीडियो कर लेना है सेव। सेव करने के लिए सबको सिंपली यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा तो शेयर के ऑप्शन भी क्लिक करके 1080 रेशो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरी हो जाएगी सबके वीडियो वन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो वन के सेव हो गया। सेव होने वाली सबको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने वाली सबको सिंपली इस प्लस वाला आइकन भी क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने वाली सबको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड पे चले जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद सबके यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना और उसकी लेंथ कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेनी है। लेंथ बढ़ाने के बाद सबके स्टार्टिंग पे आ जाना है और लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद सबको यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेना है वीडियो जो आपने ग्रीन स्क्रीन पर ऐड किया था। वीडियो सिलेक्ट करने वाली सबको करने के थीरोइड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर लेना है और फुल स्क्रीन पर ऐड करने वाली सबके सिंपली इसके क्रोमा की पे जाना और इसका क्रोमा की आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने वाली सबको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद सबको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है और फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने वाली सबको मीडिया पे जाना है और मीडिया पे जाने वाली सबको यहाँ पे ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो आपने 1x1 साइज पे वीडियो एक्सपोर्ट किया था। सिलेक्ट करने वाली सबको स्थिरॉड भी क्लिक करना और उसको सेंड बैक करके आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड होने वाले सबको करने के इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना और इसके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आपको कैंची का ऑप्शन में क्लिक करना है और इसको ट्रिम ट्रायड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने वाले सबको करने के सिंपली इस वीडियो के ऊपर भी क्लिक करना है आपको। फिर से कैंची का ऑप्शन में क्लिक करके इसको भी ट्रिम ट्रायड प्लेट करके इसका भी एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने वाली सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है और लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने वाली सबको फिर से मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने वाली सबको करने के सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने वाली सबके सीरोड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर लेना है। फुल स्क्रीन पर ऐड करने वाली सबको यहाँ से बैक हो जाना है और नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सबको यहाँ से बैक हो जाना है और इसके एडजस्टमेंट पे जाना, इसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बढ़ा देनी है। बढ़ाने वाली सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना है और इस कैंची का ऑप्शन में क्लिक करके इसको ट्रिम ट्रायड प्लेट करके इसके एक्स्ट्रा का भाग कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का भाग कट करने वाली सबको करने के स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाना है। टेक्स्ट पे जाने वाली सबको करने का है, यहाँ पे आप जो भी नेम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइस एक नेम ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने एक नेम ऐड कर दिया। नेम ऐड करने वाले सबको यहाँ पे इस तरीके से जूम कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने वाले सबको करने का सिंपली इसके फॉन्ट पे जाना और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन भी क्लिक करके आपके यहाँ पे ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने वाले सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने वाले सबको करने के इसके आउटलाइन पे जाना है। इसकी आउटलाइन ओपन कर देना है और इसकी आउटलाइन आपको रेड सिलेक्ट कर देनी है। रेड सिलेक्ट करने वाले सबको टिक कर लेना है और इसकी लेंथ आपको लास्ट तक ले जानी है। लास्ट तक ले जाने वाली सबको करने का फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना और थीरोइड भी क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट करने वाले सबको इसको उठा के आपको एक को इस तरफ लेके आ जाना है। इस तरफ लेके आने वाले सबके इस ऑप्शन भी क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपको दूसरा नेम ऐड कर देना है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो अपना, जिससे आप प्रोमिस करना चाहें, उसका नेम आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। नेम ऐड करने वाले सबको करने का सिंपली इधर पर ऐड करना है। इधर पे ऐड करने वाले सबको इस टेम्पलेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और थीरोइड भी क्लिक करके इसको ब्रेक टू फ्रेंड कर लेना है। ब्रेक टू फ्रेंड करने वाले सबको करने के इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना है। इसके ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने वाले सबको स्टार्टिंग पे आ जाना और लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने वाले सबको करने का सिंपली आपके यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने वाले सबके यहाँ पे
इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने वाले सबको इस थीरॉइड भी क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर लेना है और इसकी लेंथ आपको लास्ट तक ले जानी है। लेंथ लास्ट तक ले जाने वाले सबको स्टार्टिंग पे आ जाना और स्टार्टिंग पे आने वाले सबको करने का सिंपली इस पर एक ऑडियो ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के लिए सबको ऑडियो का ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई भी एक ऑडियो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियो सिलेक्ट करने वाले सबको इसके लास्ट के ऑप्शन पर आ जाना है और इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करके कैंची के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इसको टिम टैड प्लेट करके इसके एक्स्ट्रा के बाद कट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं वीडियो बन के कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं वीडियो काफ़ी कमाल का बन गया। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए सबको सिंपली यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देना और यहाँ पे 1080 सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना।